So hey guys, my name is Kuldeep and once again welcome back to my YouTube channel. I hope that you all doing well and fine. So friends, आज की वीडियो में हम बात करने वाले या कह सकते हो कि अनबॉक्सिंग करने वाले एक न्यू कलर पेंसिल सेट का जो मैंने रिसेंटली बाय किया है. तो गाइस आपने थंबनेल के ऊपर तो देखा ही होगा कि कौन सी कलर पेंसिल्स का हम अनबॉक्सिंग करने वाले. तो जो कलर पेंसिल्स है वो है प्रिज्मा कलर की प्रीमियम स्किन टोन कलर पेंसिल सेट जो कि है 24 शेड्स में. सो गाइस आई एम रियली एक्साइटेड टू ओपन दिस बॉक्स एंड सी दिस पेंसिल use this pencil because I never use any premium quality color pencils. So I'm really excited to open this box. And guys, पहले मैं जो कलर पेंसिल्स यूज़ करता था वो एक बेसिक कलर पेंसिल्स थी लाइक जो बिगनर्स यूज़ करते हैं एंड उनसे भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट अब तक मिले थे. लेट मी शो यू द कलर पेंसिल्स की कौन कौन सी कलर पेंसिल्स मैं पहले यूज़ करता था एंड उनके रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा. तो गाइस ये कुछ कलर पेंसिल्स है जो मैं पहले यूज़ करता था लाइक कैमलिन है, फैबर कैसल है, स्टैंडर है और डोम्स की भी है. डोम्स की ज़्यादातर मैं यूज़ करता था और इनका यूज़ करके मैंने बहुत सारे आर्ट वर्क्स कम्प्लीट किए अब तक जो कि मैं लेट मी शो यू द आर्ट वर्क्स. तो गाइस आप देख सकते हो ये वाले आर्ट वर्क्स जो मैंने डोम्स की कलर पेंसिल उसका यूज़ करके कम्प्लीट किए हैं और भी बहुत सारे आर्ट वर्क्स हैं जो मैंने डोम्स की कलर पेंसिल के साथ कम्प्लीट किए हैं. सो गाइस एज यू कैन सी हियर कि हमें एक बेसिक कलर पेंसिल के साथ किस तरह से रिजल्ट मिल गए. तो दैट्स आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ द प्रिज्मा कलर पेंसिल्स बिकॉज दे आर अ प्रीमियम क्वालिटी कलर पेंसिल्स. सो कंपेयर करें तो एक बेसिक कलर पेंसिल से उनके रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे. तो गाइस अब इधर उधर की बातें बंद करते हैं एंड अपनी जो कलर पेंसिल्स है उसे अनबॉक्स करते हैं एंड उसके बाद मैं आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि किस तरह से क्या क्या है इन कलर पेंसिल्स के बारे में. तो गाइस कुछ इस तरह से पैकेजिंग की हुई है तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमारी कलर पेंसिल्स किस तरह से हैं. गाइस पेंसिल्स की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत कलर पेंसिल्स है एज लाइक प्रीमियम कलर पेंसिल्स एंड आपको ये कुछ इस तरह के बॉक्स में मिल जाती है. ये एक टिन बॉक्स है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनका पैकेजिंग. एंड गाइस इसके अंदर आपको एक ब्रोशर भी मिल जाता है कुछ इस तरह का आप देख सकते हो एंड इसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है इन कलर पेंसिल्स के बारे में कि कौन कौन से शेड्स इसमें आते हैं और क्या क्या है और भी. तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो गाइस अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस के बारे में. तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव कलर पेंसिल्स है, इनकी प्राइस है अराउंड 4000 रुपीज़ ऑन द बॉक्स. बट अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे ऑनलाइन स्टेशनरीज में शॉप्स में तो आपको ये कम प्राइस में भी मिल जाएगी लाइक इनके ऊपर सेल्स चलती ही रहती है तो आप कम प्राइस में बाय कर सकते हो जस्ट लाइक मी. तो आप भी एक बार ज़रूर चेक करना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है. एंड गाइस दे आर बेसिकली वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल. तो जब आप इनका यूज़ करके शेडिंग करोगे तो शेडिंग में आपको एक सॉफ्टनेस फील होगी लाइक आप बहुत ही ज़्यादा इजीली शेड कर पाओगे एंड वैक्स बेस्ड होने के कारण आपको ब्लेंडिंग भी अच्छी तरह से कर पाओगे इस पेंसिल का यूज़ करके. लाइक आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे ब्लेंडिंग करने में तो ये इजीली ब्लेंड भी हो जाती है. एंड गाइस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब भी आप ये पेंसिल्स हैंडल करते हो तो अच्छी तरह से हैंडल करनी पड़ेगी बिकॉज अगर ये पेंसिल्स डैमेज हो गई तो इजीली ब्रेक हो सकती है तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना. एंड गाइस मुझे एक प्रॉब्लम लगी इन कलर पेंसिल्स के बारे में, वो ये है कि इनकी जो डार्क शेड्स है लाइक ब्रंट अम्बर ब्राउन ऑकर जब आप इनका यूज़ करके शेडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं ये पेपर को डैमेज कर देती है. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बट कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली. आई होप अभी
इन फ्यूचर इस प्रॉब्लम के ऊपर ये सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो जल्दी मिलेंगे हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट आर्टवर्क के साथ या फिर एक नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।